नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक और आरटीआई है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये है मई 2019 की। तो इसमें हमने पूछा था कि फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी जो सर्टिफिकेशन है इसके आधार पे ईई रजिस्ट्रेशन हो सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो हमें आगे से जवाब आया कि जो हमारी एप्लीकेशन थी 11/4/2019 की, तो रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंटरनेशनल रेपुटेड सर्टिफिकेशन बॉडी फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हो सकता है। इन दिस मैटर इट इज स्टेटेड दैट ईईएन नंबर दिया है उन्होंने 30/9/30 September 2010 का। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग रजिस्टरिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी भी ऑल ओवर इंडिया, तो द मैटर मे बी टेकन अप विद डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी भी जहां पे रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आती है ईई में, तो आप वहां के स्टेट डायरेक्टोरेट जो कि उनके अंडर होता है डीजीईटी को, उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी कि हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयर पे कंसीडर किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के हम धन्यवादी हैं कि ये लेटर हमें उन्होंने इश्यू की मई 2019 की। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। ऐसे ही बने रहिए और कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पे 9872468540 और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, और वेबसाइट याद रखिए www.paramedicalindia.com।